यूपी विधानसभा चुनाव से ठीक पहले 24 घंटे के अंदर योगी सरकार के दो मंत्रियों के इस्तीफे ने यूपी की सियासत में हलचल पैदा कर दी है। पहले स्वामी प्रसाद मौर्य और अगले दिन दारा सिंह चौहान ने बीजेपी छोड़कर समाजवादी पार्टी का दामन थाम लिया। मंगलवार को स्वामी प्रसाद मौर्य ने मंत्री पद से इस्तीफे के बाद जिस तरीके से अखिलेश यादव के साथ फोटो खिंचवाई थी, ठीक उसी तरीके से दारा सिंह ने भी इस्तीफे के बाद अखिलेश के साथ मुलाकात की और उनके साथ फोटो खिंचाई। दोनों नेताओं ने अखिलेश के साथ फोटो भी एक ही जगह पर खिंचवाई है। उधर अखिलेश यादव ने भी दोनों नेताओं से मुलाकात के बाद फोटो को अपने ट्विटर हैंडल से ट्वीट किया भी। अब इन दोनों नेताओं के समाजवादी पार्टी में जुड़ने को लेकर अखिलेश यादव ने बयान दिया है। उन्होंने कहा, बीजेपी की नफरत की राजनीति से लोग तंग आ चुके हैं और बदलाव चाहते हैं। उत्तर प्रदेश की जनता नेगेटिव पॉलिटिक्स से थक गई है। उत्तर प्रदेश की जनता लगातार जिस तरीके से भेदभाव की राजनीति हो रही थी, उत्तर प्रदेश की जनता ने देखा है कि किस तरीके से नफरत की राजनीति हुई है, शोषण की राजनीति हुई है, लोग अपमानित हुए हैं। इस सब बदलाव के लिए, प्रोग्रेसिव पॉलिटिक्स के लिए, एक पॉजिटिव पॉलिटिक्स के लिए और समाजवादी पार्टी की कोशिश है लोगों को साथ लाने का काम कर रहे हैं, लोगों को मिलाने का काम कर रहे हैं। और उसी कड़ी में जब पिछली बार स्वामी साहब मौर्य जी साथ आए, हमें खुशी है उनके साथ और साथी भी आए हैं। समाजवादी पार्टी की जो आने वाले समय में लड़ाई है उसको और आसान किया। आज दारा सिंह चौहान जी भी समाजवादी पार्टी के साथ खड़े हो रहे हैं, तो मुझे खुशी है इस बात की कि पूरा उत्तर प्रदेश एक खुशहाली की पॉलिटिक्स करना चाहता है। इस प्रदेश में किसान का भला हो, नौजवानों को नौकरी मिले, महंगाई कम हो, रोजगार के अवसर जो कारोबार से बन सकते हैं, हो सकते हैं, उन तरफ लेकर के जाएं। और जनता याद कर रही है किस तरीके से एम्बुलेंस की सुविधा दी गई थी, किस तरीके से पुलिस को डायल 100 दिया गया था, किस तरीके से समाजवादी पेंशन मिली। ये तमाम चीज़ों को मिलते हुए मैं कह सकता हूँ कि आने वाले समय में बदलाव होगा और उत्तर प्रदेश में एक बार फिर समाजवादी सरकार बनकर के आएगी। इसके अलावा योगी सरकार के मंत्री दारा सिंह चौहान ने भी साफ तौर पर योगी सरकार पर कई गंभीर आरोप लगाए। उन्होंने कहा, पिछले 5 सालों में दलितों पिछड़ों के लिए सरकार ने कोई भी अच्छे कदम नहीं उठाए हैं। इन्हीं की मदद से यूपी में बीजेपी की सरकार बनी थी, लेकिन इन्हें पूरी तरीके से उपेक्षित कर दिया गया था और इसी वजह से मैंने इस्तीफा दिया है। अभी लोग सवाल आप लोग भी खड़ा करेंगे, लोग खड़ा करेंगे कि 5 साल आपने इस्तीफा नहीं दिया, कुछ नहीं किया, आप लोग मलाई खाते रहे। लेकिन मैं कहना चाहता हूं, 5 साल तक जिस पिछड़े, जिस दलित, वंचित, उपेक्षित लोगों के सहयोग आशीर्वाद से भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी, वो 5 साल तक उपेक्षित रहे, लोग मलाई खाते रहे, लेकिन उनको कोई कुछ भी नहीं मिला, उनको इंसाफ, न्याय, सम्मान नहीं मिला। इससे आहत होकर के मैंने आज सरकार से इस्तीफा दिया है। लेकिन मैं कहना चाहता हूँ, मैं भी पूरे प्रदेश में जिस हमारे समाज के लोगों ने जितना सम्मान दे के, ताकत दे के मुझे इस मुकाम तक पहुँचाने का काम किया है, पूरे प्रदेश में अपने समाज के लोगों से चर्चा परचा करने के बाद फिर मैं निर्णय लूंगा कि मुझे कहां जाना। जैसा समाज कहेगा मैं वैसा निर्णय लूंगा, साफ साफ कहना चाहता हूं। आपको बता दें, दो मंत्रियों के अलावा 3 विधायक भी बीजेपी छोड़कर सपा का दामन थाम चुके हैं। वहीं बीजेपी सपा में भी फूट डालने में सफल रही है और 3 बड़े नेताओं को पार्टी में शामिल करने में कामयाब रही है। सहारनपुर के बेहट विधानसभा सीट से कांग्रेस के विधायक नरेश सैनी और फिरोजाबाद के सिरसागंज से सपा विधायक हरिओम यादव बीजेपी में शामिल हुए हैं। इसके अलावा पूर्व विधायक धर्मपाल सिंह भी बीजेपी में शामिल हुए हैं, जो कुछ दिन पहले बीएसपी छोड़कर सपा में शामिल हुए थे और अब बीजेपी में शामिल हो गए हैं।